नमस्कार छात्रों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो पूर्व में हम लोग कारकों के बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम फिर से अपनी पुस्तक के बारे में बात कर लेते हैं। पाठ नंबर 9, भारत वैभवम। ठीक है, उसमें भारत की क्या है, वैभव की व्याख्या की गई है। और आठ पाठ आप पढ़ चुके थे, नवा पाठ है पद्य का पाठ है। तो सीधी बात है, या तो हिंदी व्याख्या 5 नंबर की या संस्कृत व्याख्या 4 अंक की आ सकती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं पाठ को। कि प्रस्तुतो अयम पाठ, कि यह पाठ भारत भारती वैभवम, भारत भारती वैभव इति आख्य ग्रंथात संकलित हो, नाम नाम के ग्रंथ से लिया गया हो या संकलित हो। अस्य माने इस महानीय ग्रंथस्य, महान ग्रंथ के रचनाकार है माने रचनाकार, श्री निम्बिकाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्वर शरण देवाचार्य श्री जी महाराज वर्तते। इस ग्रंथ के महान रचनाकार, इस ग्रंथ के रचनाकार निम्बकाचार्य अधीश्वर श्री राधा सर्वेश्वर शरणदेव आचार्य कौन, श्री जी महाराज हैं। भारत भूमि है, भारत भूमि, भारत माने भारत, भारतीय माने भारती, के संस्कृत भाषाया और संस्कृत भाषा का वंदनात्मक सुंदरम गीत काव्यम एतदस्ति। भाषा का यह सुंदर गीत काव्य है, यत्र माने जहाँ, गीता गंगा गावश्चेति एवं प्रकार त्रयी अपि सुष्ठु वर्णितः, यहाँ गीता गंगा और गौ इस प्रकार के ये तीन गकार भी अच्छी तरह से वर्णित हैं। यहाँ पर तीनों गकारों की क्या की गई है, गणना की गई है। अत्र संग्रहितः, कि यहाँ पर संग्रहित ग्रंथस्य माने ग्रंथ का, ग्रंथस्य माने ग्रंथ का, अस्य स्वल्पः माने छोटा सा अंश, एव माने ही, एतावत् कलात्मक सर्वान् सुंदर मधुराश्च अस्ति। ग्रंथ का छोटा सा अंश ही इतना कलात्मक सर्वान् सुंदर और मधुर है। यत् माने कि बंकिम चंद्रस्य वंदे मातरम् इति गीतम् अनायासं स्मरति, कि बंकम चंद्र का गीत कौन, वंदे मातरम जो गीत है बंकम चंद्र चटर्जी का, उसकी क्या कहलाता है, याद दिलाता है। तो ये क्या है, आपका पाठ परिचय है। ठीक है, अब हम पाठ की यदि बात करें तो पहले श्लोक को देखते हैं कि वंदे मित्राम भारत वसुधाम, दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू कृष्णा शोभित सरसाम। वंदे माने वंदना करता हूँ। ठीक है, नितराम माने निरंतर, सरसाम माने भारत वर्तमान भारत भूमि की, दिव्य हिमालय माने दिव्य हिमालय गंगा यमुना सरयू, और कृष्णा माने कृष्णा से, कृष्णा आदि नदियों से शोभित, और सरसाम माने होता है पवित्र। ठीक है, कि जो कवि है वो क्या कहता है कि मैं सुंदर दिव्य हिमालय लिखा हुआ है, सुंदर गिरिराज हिमालय, क्या मैं सुंदर गिरिराज हिमालय गंगा यमुना सरयू और कृष्णा से शोभित पवित्र क्या करता हूँ, भारत वसुधाम, भारत वसुधाम माने भारत भूमि की, नेत्रा मन निरंतर वंदे माने वंदना करता हूँ, कि मैं सुंदर गिरिराज हिमालय गंगा यमुना सरयू और कृष्णा से शोभित एवं कृष्णा से पवित्र भारत भूमि की निरंतर वंदना करता हूँ। आ रहा होगा आप लोगों के समझ में, एक बार और देखते हैं कि मैं सुंदर गिरिराज हिमालय गंगा यमुना
सरयू और कृष्णा से पवित्र, नदियों कृष्णा से पवित्र ये नदियाँ हैं, ऐसी भारत भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अगला श्लोक देखते हैं। मुनि जन देवई अनिशम पूज्याम, कि मुनि जनई देवई अनिशम पूज्याम, जलधि तरंगई अंचित सीमाम, भगवत लीला धाम मई ताम नाना तीर्थई अभी रमणीयाम। मुनिजन देवई अनिशम पूज्याम, जलधि तरंगई अंचित सीमाम, भगवत लीला धाम मई ताम नाना तीर्थई अभी रमणीयाम। तो समझा देखते हैं कि मुनि जनई देवई, कि मुनि जनई माने मुनिजनों और देवई माने देवताओं, ऐने सब मानो भाई दिन रात या नित्य, नित्य या दिन रात मुनि जनों के द्वारा क्या पूज्याम, पूज्याम माने पूजने योग्य, दिन रात मुनि जनों के द्वारा पूजने योग्य, जलधि तरंगई, जलधि तरंगई यानी सागर की लहरों से सुशोभित, ठीक है, और अंकित सीमा प्रांत सीमा सीमा वाली मुनि जनों के द्वारा, सॉरी मुनि जनम नित्यम या नित्य, नित्य मुनि जनों के द्वारा पूजने योग्य, नित्य मुनि जनों के द्वारा पूजने योग्य, सागर की लहरों से शोभित सीमा वाली, सागर की लहरों से शोभित सीमा वाली भगवत लीला, भगवान की लीला स्थली क्रीड़ा स्थली धाममयी, भगवान की क्या है क्रीड़ा स्थली लीला स्थली, नाना तीर्थ अभिरमणीयम, और अनेक तीर्थों के कारण जो सुंदर है मनोहर है, क्या करता हूँ मैं ऐसी भारत भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। दोबारा से देखते हैं कि मुनिजन देवई अनिशम पूज्याम, जलधि तरंगई अंचित सीमा, कि नित्य मुनियों के द्वारा पूजने योग्य, सागर की लहरों से शोभित सीमा भाग वाली, भगवान की लीला स्थली क्रीड़ा स्थली और अनेक तीर्थों के कारण जो क्या है रमणीय है सुंदर है मनोहर है, ऐसी भारत भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ मैं ऐसी भारत भूमि की वंदना करता हूँ। ठीक है, आगे आओ समझ में। दोबारा से देखते हैं एक बार कि मुनि जनों के द्वारा पूजने योग्य, कैसे दिन रात मुनि जनों के द्वारा पूजने योग्य, सागर की लहरों से शोभित सीमा वाली, भगवान की लीला स्थली क्रीड़ा स्थली और अनेक तीर्थों के कारण जो क्या है रमणीय है सुंदर है मनोहर है, ऐसी भारत भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। अगला तीसरा श्लोक देखते हैं। तीसरा श्लोक क्या कहता है, अध्यात्म धरित्री गौरव पूर्णा शांति वहां श्री वरदान सुखधाम सस्य श्यामलाम कलित अमलाम कोटि 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 जन सेवित मुदिताम। दोबारा देखते हैं, अध्यात्म धरित्री, अध्यात्म धरित्री कहते हैं अध्यात्म की धरती यानी अध्यात्म विद्या की धरती, ठीक है, धरणीय धारण करने वाली अध्यात्म विद्या को धारण करने वाली गौरव पूर्णा गौरव से परिपूर्ण अध्यात्म विद्या की धरती, धरती या अध्यात्म विद्या से पूर्ण तो अध्यात्म विद्या को धारण करने वाली गौरव से परिपूर्ण शांति वहां शांति प्रदान करने वाली श्री कहते हैं लक्ष्मी को, वरदान सुखदाम लक्ष्मी प्रदान करने वाली, सुखदाम माने सुख देने वाली, सस्य श्यामलाम सस्य यानी धन धान्य से परिपूर्ण, ठीक है, क्या है सस्य श्यामलाम माने क्या होगा धन धान्य से परिपूर्ण परिपूर्ण,
और कलितान अम्लान। कलित अम्लान मान कहते हैं सुंदरता से युक्त, ठीक है, सुंदर निर्मल, कोटि कोटि यानी करोड़ों करोड़ों लोगों के द्वारा क्या हुई, सेवित, करोड़ों करोड़ों लोगों की सेवा से क्या हुई, प्रसन्न हुई, प्रसन्न चित्त हुई, मुदिताम प्रसन्न चित्त हुई, शांत, ठीक है, क्या हो जाएगा, शांत, करोड़ों लोगों की सेवा से क्या हुई, प्रसन्न हुई, ऐसी भारत भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। दोबारा से लिखते हैं, अध्यात्म धरित्री, अध्यात्म विद्या की धरा, धरती गौरव से परिपूर्ण, शांति प्रदान करने वाली, सुख देने वाली, धन धान्य से परिपूर्ण, सुंदरता से युक्त और करोड़ों लोगों की सेवा से प्रसन्न हुई, ऐसी भारत भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। क्या करता हूँ मैं, ऐसी भारत भूमि की मैं भी क्या कर रहा हूँ, वंदना करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों की। अब जो है, यदि हमको इस पाठ में से क्या बनानी हो, हिंदी व्याख्या बनानी हो, तो हम बनाएंगे किस प्रकार, यानी हिंदी का एक पद्य देख लें जैसे, तो कैसे बनेगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। वैसे कैसे बनेगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के भारत वैभवम इस पाठ से उद्धृत है लिया गया है। मूलतः यह पाठ भारत भारती वैभवम इस ग्रंथ से संकलित है और इस पद्य में भारत भूमि की विशिष्टता की वर्णन वर्णन किया गया है। भारत भूमि की विशिष्टता का वर्णन किया गया है, ये तो हो जाएगा आपके हिंदी में। अब इसी की संकेत बन जाएगी कि पद्यांश वयम अस्माकं स्पंदना इति पाठ्य पुस्तक भारत वैभवम इति पाठात उद्धृत है। मूलतः अयम पाठ श्री जी महाराज विरचिता भारत भारती वैभवम इति ग्रंथात, तो क्या है, इति ग्रंथात संकलित अस्ति। अस्मिन् पद्यांशे कवि भारत भूमि वैशिष्ट्यम वर्णयति। ठीक है, इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा, हिंदी और संस्कृत का पद्यांश प्रसंग हो जाएगा। आगे श्लोक देखते हैं, पांच ही श्लोक हैं इसमें। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं हम कि वीर कदम्बई अति कमनीयाम, कि वीर कदम्बई अति कमनीयाम सुधी जनैश्च परम उपास्याम, वेद पुराणई नित्याय सुविताम राष्ट्र सुभक्तई रिद्याम भव्याम। आगे देखते हैं कि वीर कदम्बई, कि वीर सूरवीरों के समूह से सुशोभित, सूरवीरों के समूह से सुशोभित और सुधी जनैश्च, सुधी जन कहते हैं बुद्धिमान लोगों के द्वारा। भाई द्वारा क्यों आया है, यदि राम के रूपों की यदि हम बात करें तो राम के रूपों में तृतीया विभक्ति के बहुवचन में आता है रामेण रामाभ्याम रामई, ये आता है रामई यानी राम के द्वारा, इन रामों के द्वारा। तो सुधी जन माने क्या हो जाएगा, बुद्धिमान लोगों के द्वारा। तो द्वारा देखते हैं सूरवीरों के समूह से अतिशोभित सुशोभित बुद्धिमान लोगों के द्वारा क्या, परम उपास्याम सब प्रकार से सेवा करने योग्य, बुद्धिमान लोगों के द्वारा सब प्रकार से सेवा करने योग्य, वेद पुराणई नित्यई सुखिताम वेद और पुराणों के द्वारा सदैव प्रशंसित, वेदों और पुराणों के द्वारा सदैव प्रशंसित राष्ट्र सुभक्तई रिद्याम भव्याम और राष्ट्र भक्तों से समृद्ध व स्तुति करने योग्य, क्या करता हूँ, इड्यम भव्यम उस विशाल भारत भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। ठीक है, क्या हो जाएगा, दोबारा से देखते हैं कि सूरवीरों के समूह से सुशोभित तो बुद्धिमान लोगों के द्वारा सब प्रकार से सेवा करने योग्य और वेद और पुराणों के द्वारा सदैव प्रशंसित राष्ट्र भक्तों से समृद्ध वे स्तुति करने योग्य, ऐसा देश जिसकी क्या की जाए, स्तुति की जाए, बार बार उपासना की जाए, ऐसे क्या करता हूँ मैं, ऐसे विशाल भारत भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता
हूँ। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं कि सूरवीरों के समूह से सुशोभित बुद्धिमान लोगों के द्वारा सब प्रकार सेवा करने योग्य, वेदों और पुराणों के द्वारा सदैव प्रशंसित, राष्ट्रभक्तों से समृद्ध व स्तुति करने योग्य उस विशाल भारत भूमि की मैं क्या करता हूँ, वंदना करता हूँ। ठीक है, अगला अंतिम श्लोक है आपका, नाना रत्नई मणि अभियुक्ता अभियुक्ताम हिरण्य रूपाम हरिपर पुण्याम राधा सर्वेश्वर शरण्यो अहम वारम वारम वंदे रम्याम। नाना रत्न माने अनेक रत्नों और मणियों से सुशोभित, अनेक मोती माणिक्य मूणा मूंगा विभिन्न रत्नों और मणियों से परिपूर्ण, ऐसे देख सकते हो, अनेक रत्नों से अनेक मणियों मूंगा माणिक्य आदि विभिन्न रत्नियों विभिन्न रत्नों और मणियों से परिपूर्ण। एक बार दोबारा से सुनते हैं कि अनेक मोती माणिक्य विभिन्न रत्नों और मणियों से परिपूर्ण, हरिपद पुण्याम, हरिपद कहते हैं स्वर्ण, और ये लिख रहा है हिरण्य रूपाम, हिरण्य रूपाम कहते हैं स्वर्ण स्वरूपा, सोने जैसे रूप वाली, और हरिपद पुण्याम, हरिपद पुण्याम कहते हैं भगवान के चरण रखने से पवित्र वह मनोहर, भगवान के चरण रखने से पवित्र हुई राधा सर्वेश्वर शरण्य अहम, राधा सर्वेश्वर की शरण में गया मैं क्या करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ, क्या करता हूँ, बार बार वंदना करता हूँ। दोबारा से देखते हैं एक बार कि अनेक मोती माणिक्य मूंगा और विभिन्न रत्नों और मणियों से परिपूर्ण स्वर्ण स्वरूपा भगवान के चरण रखने से क्या हुई, पवित्र मरम मनोहर, और राधा सर्वेश्वर की शरण में गया मैं, कौन ग्रंथकार, कौन है ग्रंथकार, श्री जी महाराज, राधा सर्वेश्वर की शरण में गया मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, किसको प्रणाम कर रहा है, भारत भूमि को प्रणाम करता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से जो है आपका पाठ यह समाप्त होता है। यदि इसके प्रश्न उत्तरों की बात करें तो एक बार प्रश्न उत्तर हम देख लेते हैं, आज आपकी क्लास जल्दी समाप्त हो जाएगी। तो प्रश्न उत्तरों की यदि बात करें कि भारत वैभवम इति पाठ है कस्मात ग्रंथात गृहीतः वर्तते, भारत वैभवम जो पाठ है किस ग्रंथ से लिया गया है, भारत भारती वैभवम। ठीक है, वंदे नेत्राम भारत वर्धम इत्यस्य रत्नकारः अस्ति, कौन इसके रत्नकार, श्री जी महाराज, वीर कदम्ब यति कमनीयम इत्यत्र कदम शब्दस्य अर्थ अस्ति समूह। ठीक है, क्या हो जाएगा, समूह। उसके बाद जो है ये प्रश्न उत्तर है आपके लघुत्तरात्मक प्रश्न, संधि विच्छेद देख लेते हैं क्या। ठीक है, संधि विच्छेद क्या हो जाएंगे आपके, संधि विच्छेद हो जाएंगे भगवत लीला, दो बार लय आया है, इसका मतलब द्वित्व लय हुआ है, तो लय का लय किस वर्ग में आता है, तवर्ग में आता है। ठीक है, तो हो जाएगा भगवत प्लस लीला, इसमें हो जाएगी आपकी हल संधि, व्यंजन संधि वो भी है आपकी पर सवाल। ठीक है, द्वित्व होता है इसमें, सुधी जनिश्चर क्या आएगा, सुधी जनिश्च से का आगम हुआ है चय के पहले, तो यहां पर आपकी संधि होगी, सीधी बात है, सत्व विसर्ग संधि, और विग्रह क्या होगा, सुधी जनहि विसर्ग प्लस च परम परमोपास्यम, ओ का आगम हुआ है ए ओ आर एल, कौन संधि में होते हैं, गौर संधि में होते हैं, परम प्लस उपास्यम, ए के बाद उ का आगम हो जाता है तो ओ हो जाता है, इसलिए गुण संधि। सुभक्तैरिड्याम, सुभक्तैरिड्याम रे का आगम हो गया है, रीरा रे हारा रे, रीरा आपका रे, सुभक्त ही विसर्ग प्लस इड्यम, क्या हो जाएगा, इड्यम, यहाँ हो जाएगी आपकी रुत्व विसर्ग संधि, कौन सी संधि हो जाएगी, रुत्व विसर्ग संधि हो जाएगी। इस प्रकार से जो है हम इस पाठ में आए हुए, देखो इस पाठ में जो ये वाले शब्द दिए हुए हैं यहाँ पर, इन शब्दों को हमको क्या करना है, इन शब्दों से हम लोग
क्या बना सकते हैं? संस्कृत व्याख्या का निर्माण कर सकते हैं। दूसरी बात, व्याकरणात्मक टिप्पणी भी हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं शब्दों के द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को निरंतर क्या है, इस प्रकार से ही ऐसे शब्दार्थों से ही ध्यान रखना है कि कैसा शब्दार्थ है आपका, कि उसका, अब देखो गौरवपूर्ण नाम लिखा हुआ है, इसका क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण नाम। महत्वपूर्ण नाम आपके इसमें काम आएगा, इसका पर्यायवाची शब्द है। तो संस्कृत व्याख्या जो है आपकी, उसमें क्या काम आते हैं, पर्यायवाची शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, पर्यायवाची शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग क्या है, विशेष रूप से इसको देख सकते हैं, और इस प्रकार से आपका पाठ समाप्त होता है। पद्य का पाठ है, पद्य का पाठ था, आगे आप 10वें पाठ पर मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।